Hello friends, how are you? I welcome you all in your channel CSR, and today we are going to start first chapter of corporate and economics class, that is appointment and qualification of directors. फ्रेंड्स, हम अपने इस ड्यूरेशन में जो हम डेली की डेली क्लासेस अपलोड करेंगे उसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा विद ईच एंड एवरी सेक्शन, और सभी के सभी जो हमारे चैप्टर्स होंगे मैं उनके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स आज की क्लास में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि हमारा चैप्टर वन रहेगा। मैं आपको एक चार्ट दूंगा जिसके अंदर क्या होगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे उनकी एक लिस्ट दी हुई होगी। अगर आप 100% सिलेबस नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, देखिए एज ए टीचर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 100% सिलेबस कवर करिए, लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से मान लो 100% नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उतने भी सेक्शंस कर लेंगे जितने मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप 50-60% अपने एग्जाम में श्योरली आप स्कोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा किसी क्लास में, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और स्पेसिफिकली ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग अफोर्ड या तो कर नहीं सकते या फिर किसी भी रीजन से अपनी कोचिंग क्लासेस में जा नहीं सकते, और मार्जिन स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए बच्चों ये है ही। सो मेरा एक छोटा सा प्रयास है बच्चों आप सबकी हेल्प करना, अगर आपको अच्छा लगे मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, और अगर आपको मेरी टीचिंग में कोई भी कमी लगे, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी मेल आईडी, अपनी जो आपका इस वीडियो का जो होता है क्या बोलते हैं उसे टाइटल बॉक्स होता है जिसमें टाइटल वगैरह लिखो, तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कंप्लीट मेल आईडी, मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह सब कुछ आपको दिया होगा, और जो मैं नोट्स आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, देन इस वीडियो को आप अच्छे से देख पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज चैप्टर वन। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर 11। ये मैंने किस लिए लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 11 है। इसमें हम जो सेक्शन कवर करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 149 टू सेक्शन 172। सीए फाइनल के लिए आपके लिए है ही। चलिए आगे चलते हैं, इंडेक्स हमें अभी नहीं पढ़ना। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये वाला जो मैं आपको कहने जा रहा था, चैप्टर ओवरव्यू। ये देखिए, ये मैंने इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है पूरे चैप्टर को। कैटेगरी ए है, इसमें से आपको 70% चांस है कि आपका जो एग्जाम होगा, आपके एग्जाम में जो केस स्टडी या क्वेश्चन मिलेगा आपको कैटेगरी ए से मिल जाएगी। 20% चांस है बच्चों कि आपको ये जो कैटेगरी बी है इसमें से आपको मिल जाएगा, और 10% चांस है कि जो कैटेगरी सी के सेक्शंस है इसमें से आपको कुछ कोई क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, आप सीए फाइनल में हैं, आपके लिए एक छोटा सा क्लोज, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा प्रोवाइजो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो पूरा का पूरा सेक्शन के लिए कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखिए उस बात पे मत जाइएगा। मैं आपको सिर्फ इतना कहने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी कारण से 100% सिलेबस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कैटेगरी ए जरूर कीजिएगा और कैटेगरी बी भी कीजिएगा, क्योंकि कैटेगरी बी में ज्यादा सेक्शन है नहीं। आप इनको कवर कर लेते हो तो आप 90% अपना सिलेबस कवर कर लेते हो। अब देखिए कैटेगरी सी में छोटे छोटे बहुत सारे सेक्शन हैं, ये देखिए ये 150 है, 154, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो सेक्शन है बच्चों इन पे क्वेश्चन बनता नहीं है, मतलब एक केस स्टडी इन पे बन नहीं पाती है, लेकिन ये जो सेक्शन है आप डेफिनेटली लास्ट ईयर के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं, आरटीपीज हैं, एमटीपीज हैं, आप ये चेक कीजिएगा, आपको 90% से क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से मिलेंगे। तो आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज मैं आपसे सेक्शन 164 डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। 164 एक बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है नॉर्मली। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या होता है बच्चों ये डिस्क्वालिफिकेशन? देखिए ये सेक्शन हमें बताता है कि एक पर्सन कब डिस्क्वालिफाई हो जाता है डायरेक्टर्स बनने के लिए। सो देखिए मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें क्या सेक्शन याद करने, एक बच्चों का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि क्या हमें सेक्शंस को याद करना पड़ेगा? बच्चों बिल्कुल याद करना पड़ेगा। आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सेक्शंस नहीं लिखते हैं एग्जाम में तो देखिए वो इंप्रेशन बन नहीं पाता। हो सकता है मे बी सेक्शन की जो इम्पोर्टेंट वो हाफ मार्क ही हो, लेकिन यार आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए तो हाफ मार्क्स भी बहुत बड़ी चीज होती है।
ठीक है, और मेरी गारंटी है यार मैं आपको एक एक सेक्शन याद करवा दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस सिलेबस। सो सेक्शन 164 जो हम करने जा रहे हैं उसमें बेसिकली आपको 164 सबसेक्शन 1 और 164 सबसेक्शन 2 आपको याद करना है। 164 में हम बात करेंगे कि कोई पर्सन है वो आपका क्या करेगा, कोई फॉल्ट करेगा, कोई उसको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगी और वो हो जाएगा डिस्क्वालिफाइड। 164 सबसेक्शन 2 में हम बात करेंगे बच्चों कंपनी कोई डिफॉल्ट करेगी, जो कंपनी है वो कोई डिफॉल्ट करेगी और डायरेक्टर हो जाएगा डिस्क्वालिफाइड। क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है बच्चों, डायरेक्टर हो जाएगा आपका डिस्क्वालिफाइड। सो हम छोटी छोटी बात करेंगे। देखिए सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 है, अगर आप ये बेयर एक्ट है बच्चों, अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ते हैं तो क्या होता है कि बेयर एक्ट में आपको स्कोप मिल जाता है कि हमें पढ़ना कितना है। देखिए आप किसी भी बुक को रिकमेंड कर सकते हैं, बुक सभी अच्छी है मार्केट में। मैं पर्सनली मुनीश भंडारी सर की बुक पढ़ता था और मुझे वो अच्छी भी लगती है। मैं आज भी अगर मुझे कोई चीज रेफर करनी हो तो मैं मुनीश भंडारी सर और बेयर एक्ट को ही रेफर करता हूँ। सो होता क्या है बच्चों कि अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना कितना है, इस सेक्शन के लिमिटेशन क्या है, इस सेक्शन का एंड कहाँ पे है। लेकिन अगर आप किसी एनालिसिस की बुक से पढ़ते हैं तो एनालिसिस की बुक्स में क्या होता है बच्चों की क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ टेबुलर फॉर्म में कुछ चीजें दी होती है, तो आपको ये नहीं पता चल पाता कि इस सेक्शन का एंड क्या है या इस सेक्शन में और कितनी बातें लिखी हुई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन का हम आज ये चैप्टर करने जा रहे हैं, ये सेक्शन हम कवर करने जा रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर आप किसी एनालिसिस की बुक में पढ़ते हैं तो कुछ आपको बातें लिखी हुई मिलेगी, हो सकता है एक होती मिस भी मिल जाए। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये कोई एक्स वाई जेड कोई सिचुएशन बताता है और आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर बच्चों आपने बेयर एक्ट नहीं पढ़ा तो आई एम श्योर कि आप उसको मतलब 100% श्योरिटी से वो उस कॉन्फिडेंस लेवल जो आपको चाहिए उससे आप आंसर कर नहीं पाएंगे। सो आपको क्या चाहिए, एक बार बेयर एक्ट जरूर पढ़ो यार। अगर उसके बाद आपके पास जो भी बुक हो, आई थिंक मतलब 60-70% मेरा मानना है पर्सनली कि मुनीश भंडारी सर की बुक पढ़ते हैं, अमित पोपली सर कोई भी हो यार सभी अच्छे हैं, सारे टीचर बेस्ट हैं मार्केट में, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और बातें बताऊंगा। सेक्शन 164 कहता है ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर। कब वो डिस्क्वालिफाई हो जाता है ए पर्सन, ठीक है। तो पहली बात तो डायरेक्टर बन कौन सकता है, ए पर्सन ही बन सकता है बच्चों, और कोई तो डायरेक्टर बन भी नहीं सकता, ठीक है। तो ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर कब, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। वो कौन है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। अब बच्चों दिमाग ठीक नहीं है ये कैसे डिसाइड करेंगे, मान लो अब नॉर्मली क्या होता है, मान लो मैं किसी को कह देता हूं अरे तेरा तो दिमाग खराब है यार, तो क्या मेरे कहने से, क्या हमारे कहने से किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, हम मान लेते हैं कि उसका दिमाग खराब है, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग खराब है तो ये कौन बताएगा, ये हमें बताएगा एक कंपिटेंट कोर्ट, ठीक है। एक कौन डिक्लेयर करेगा ये बात, ये कंपिटेंट कोर्ट बताएगी कि हाँ इस व्यक्ति का दिमाग सही नहीं है, और जिस व्यक्ति का दिमाग सही नहीं है ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। सबसे पहले हमने ये बात करी। सेकेंड थिंग बच्चों हम इसमें करेंगे, ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट कौन होता है बच्चों, जो इंसॉल्वेंट हो चुका है और अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है, मतलब उसकी इंसॉल्वेंसी इन फोर्स है, तो ऐसा व्यक्ति भी नहीं बन पाएगा डायरेक्टर। ये वैसे अपने अनसाउंड माइंड और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ये बातें अपने बहुत आई थिंक कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ के आए होंगे, तो जिसका आपको पहले से नॉलेज होगा। ही इज अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। देखिए ये बच्चों एनालिसिस का पॉइंट है, इसमें इसने क्या लिखा, ही हैज अप्लाइड टू बी एजुकेटेड, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए लो क्या है, अगर आप सेल्फ रीडिंग करते हो तो मे बी आप कुछ चीजें ऐसे स्किप कर जाते हो जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अब ये जो वर्ड है ही हैज बीन अप्लाइड टू बी एजुकेटेड, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों की मिस्टर एक्स है कोई पर्सन, मिस्टर एक्स है और उसने मिस्टर वाई जेड और ओ ए बी इन सभी पर्सन को कुछ पेमेंट करनी है सपोज 1 करोड़, और मिस्टर एक्स की जो एसेट्स है सपोज वो है 50 लाख ओनली। तो ये सभी जो पर्सन है ये जाते हैं कोर्ट में और कहते क्या हैं कि मिस्टर एक्स को डिक्लेयर कर दिया जाए एज एन इंसॉल्वेंट।
ठीक है, और ये एप्लीकेशन अभी क्या है, पेंडिंग है। ये जो एप्लीकेशन है अभी पेंडिंग है, इसके ऊपर कोई डिसीजन आया नहीं है। मुझे बताइए क्या ये व्यक्ति जो मिस्टर एक्स है ये डायरेक्टर बन पाएगा? सपोज कोई कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये अपॉइंट करना चाहती है मिस्टर एक्स को एज ए डायरेक्टर, तो आप मुझे बताइए कि क्या मिस्टर एक्स को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है? आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। बिल्कुल किया जा सकता है बच्चों, मिस्टर एक्स की क्या गलती है? अब आप उस जो चीज मैंने बताई थी आप उस चीज को दोबारा देखिएगा। देखिए, ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ये कंप्लीट होता है, ये सेटिस्फाई होती है कंडीशन? हाँ होती है। अप्लाइड टू बी एडजुकेटेड, हाँ ठीक है, उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी ने भी किया हो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन क्या ये वर्ड कंप्लीट होता है? ही किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है? ही हो रहा है इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन कौन है? ये है डायरेक्टर, ए पर्सन हु इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। तो बच्चों क्या होता है कि जब कोई पर्सन खुद अप्लाई करता है ना, मिस्टर एक्स अगर खुद कोर्ट में जाके कहता है कि हाँ कोर्ट मुझे मुझे जज कर दिया जाए एज एन इंसॉल्वेंट, तो वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होगा। अगर किसी और पर्सन ने जाके उसको बोला है कोर्ट को कि मिस्टर एक्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो मिस्टर एक्स डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो इस बात में आपको ध्यान रखना है, ये बात क्या कि जब मिस्टर एक्स खुद जाके कोर्ट में कहेगा कि हाँ कोर्ट मुझे डिस्क्वालीफाई या फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तभी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो इस पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो ही है इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइंट आता है बच्चों डी, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको केस स्टडी मिलती है या फिर कोई एमसीक्यू मिलता है, नॉर्मली इस पॉइंट में से देखने को ही मिलता है। ही हैज बीन कन्विक्टेड, उसको भी जेल हुई है, किसके लिए? एनी ऑफेंस के लिए, चाहे इन्वॉल्विंग वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिप्यूट और अदरवाइज। अब देखो मॉरल ट्रिप्यूट क्या होता है, अदरवाइज क्या होता है, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मॉरल ट्रिप्यूट क्या होता है बच्चों? घिनौना अपराध। घिनौना अपराध का मतलब क्या? अब कौन बताएगा कि घिनौना अपराध है या नहीं है? ये बच्चों जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, आई थिंक आप सभी ने कोर्ट का ऑर्डर कभी ना कभी जरूर देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो आप मतलब गूगल सर्च कर सकते हैं किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को, और आप चेक कीजिएगा जो सेक्शन 302 या इस तरह के जो सेक्शन है जिसमें मर्डर, हत्या और सेक्शन 307 है, उसमें नॉर्मली कोर्ट का एंड पे जो कोर्ट कंक्लूजन देता है एंड पे, उसमें लिखा होता है कि ये जो ऑफेंस है ये इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिप्यूट है या नहीं है। अगर कोर्ट लिख देती है कि वो मॉरल ट्रिप्यूट है, तो हाँ जी वो मॉरल ट्रिप्यूट है। और अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? और अदरवाइज का ये मतलब नहीं है कि कोई भी उसने गलत काम किया हो, और अदरवाइज का मतलब है कि ये कवर होता है किसमें? कंपनीज एक्ट 1956 में या 2013 में। मतलब ये कंपनीज एक्ट और अदरवाइज किसकी बात करता है? कंपनीज एक्ट की बात करता है। या तो कंपनीज एक्ट 1956 में कोई ऑफेंस हो, और या फिर 2013 में कोई ऑफेंस हो, और उसके लिए क्या हुई हो, आपको कन्विक्शन हुई हो, और वो जेल भेज दिया गया हो कितने टाइम के लिए? नॉट लेस देन 6 मंथ, उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया हो, और डिस्क्वालीफाई कब तक रहेगा? 5 ईयर्स तक। कब से शुरू होगी डिस्क्वालिफिकेशन? डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। मतलब सपोज किसी कोई पर्सन है 1 जनवरी 2005 को उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, मैं एक अलग पेज पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ज्यादा खुला हो जाएगा। सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को 1 जनवरी 2015 को कन्विक्ट कर लिया गया है, कन्विक्टेड, और कितने के लिए? 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? अब हमने जो डिस्क्वालिफिकेशन चेक करनी है, हम चेक करेंगे, पहले तो हम इसमें 2 ईयर्स ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1 जनवरी 2017, यहां तक हमारे कितने होंगे? 2 ईयर्स होंगे। अब आप इसमें ऐड करोगे 5 ईयर्स, ठीक है, तो ये 17 और 5 2022, मतलब आप 1/1/2022 तक आप हो जाते हो डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। इस जो सेक्शन था हमारा, इसका ये भी नहीं था, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, आपको जेल हुई है कितने टाइम के लिए? 6 मंथ और मोर, और किस कारण से? मोरल ट्रिप्यूट या अदरवाइज,
ठीक है, और आपको 5 ईयर्स अभी तक बीते नहीं है, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, मतलब आप जब आपकी सजा पूरी हो गई है आप उससे 5 ईयर्स काउंट करेंगे, और यहां पर इसके बाद ही आप अपॉइंट हो सकते हो एज ए डायरेक्टर। ओके, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। सपोज मिस्टर एक्स रोड से जा रहे थे, उनसे कोई एक्सीडेंट हो गया उनकी गाड़ी से, और उनका कोई फॉल्ट भी नहीं था, और जो सामने वाला पर्सन था उसकी टांग टूट गई, ठीक है, उसको क्या हुआ, उसकी लेग ब्रेक हो गई है, फ्रैक्चर हो गया उसको, और लेकिन जब ये कोर्ट में गए, क्योंकि मिस्टर एक्स तो गाड़ी में थे और जो पर्सन थे जा रहे थे वो पैदल थे, ठीक है, अच्छा गलती किसी की भी हो, मिस्टर एक्स को सजा सुनाई गई कि आप 8 मंथ्स के लिए कन्विक्टेड हैं, और ये ऑफेंस था, ये मॉरल ट्रिपिट्यूड में कवर नहीं था, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट मॉरल ट्रिपिट्यूड नहीं है, ठीक है, तो ये कन्विक्टेड हुआ 8 मंथ के लिए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये मॉरल ट्रिपिट्यूड नहीं था, तो बताइए क्या मिस्टर एक्स डिस्क्वालिफाइड है? नहीं, चाहे उसको सजा 8 मंथ की हुई हो, लेकिन मॉरल ट्रिपिट्यूड और अदरवाइज, क्योंकि कंपनीज एक्ट में भी ये नहीं है सजा, और ये मॉरल ट्रिपिट्यूड में भी नहीं है, तो ये 5 ईयर्स के लिए अब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको जरूर ध्यान से, जितना टाइम लगा उसको उसमें लगाना है यार, इसके ऊपर MCQ भी बहुत सारे बनेंगे, आपके पास जो बुक होगी उसमें भी बहुत सारे MCQs होंगे, ये जो मैं नोट्स दूंगा इसके अंदर मैंने लास्ट में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कवर किए हैं जिसमें MCQ कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट सभी, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी मैं एक MCQ बुक अभी लिख रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जब तक सिलेबस एंड होगा तब तक आपको कंप्लीट मटेरियल भी मिल जाएगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं किसी एक चीज़ के लिए एक पैसा भी चार्ज नहीं करूंगा कभी भी। उसके बाद आता है बच्चों प्रोवाइजो, इसका एक प्रोवाइजो भी है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को 7 ईयर्स या उससे ज्यादा की सजा हुई है तो चाहे मॉरल ट्रिप्यूटेड हो चाहे ना हो, वो पर्सन लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो बड़ी मतलब ये एक डिस्क्वालिफिकेशन है बच्चों, इसको पढ़ के देखिएगा। इफ ए पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और मोर, आपको 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है, ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी में वो डायरेक्टर अपॉइंट हो ही नहीं सकता। क्या इस तरह से आपको कोई 5 ईयर्स की कोई डिस्क्वालिफिकेशन की बात लिखी हुई मिलती है? नहीं, ये कब तक के लिए है? ये है बच्चों लाइफ टाइम तक के लिए, ठीक है। तो मतलब एक सोचने वाली बात है यार कि 7 ईयर्स या उससे ज्यादा की सजा हुई है तो बच्चे जो पर्सन है मिस्टर एक्स तो उसने कोई गंदा ही काम किया होगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या डायरेक्टर बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, गलत बंदा है। चलिए आगे देखते हैं। एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाइंग हिम, एन ऑर्डर, ऑर्डर किसका बच्चों? कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का, किसके लिए? फॉर डिस्क्वालीफाइंग हिम एज ए डायरेक्टर हैज बीन पास्ड, और वो ऑर्डर क्या है? इनफोर्स है। कोर्ट ने कह दिया जी कि मिस्टर एक्स डायरेक्टर नहीं बन सकते इतने टाइम के लिए, तो हाँ जी नहीं बन सकते। अब कोर्ट कब ऑर्डर देती है वो हम बात करेंगे बच्चों अपने चैप्टर नंबर 4 या 5 में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि कोर्ट कब ऑर्डर देती है, ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर देती है, तो उस टाइम भी आप डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे फिलहाल, तो ये आपको एक बार रटना पड़ेगा। उसके बाद आता है बच्चों कि ही हैज नॉट पेड एनी कॉल्स, उसने जो जो डायरेक्टर है हमारा मिस्टर एक्स, उसने कॉल्स पे नहीं कही है, किस पे? जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है दा का मतलब होता है स्पेसिफिक। अगर यहाँ पे ए कंपनी होता है या कंपनी लिखा होता तो किसी भी कंपनी के उसके पास शेयर हो वो हो जाता है डिस्क्वालीफाइड। मैं इस एग्जांपल को एक बार दोबारा से आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए जो मिस्टर एक्स है ये है XYZ कंपनी में शेयर होल्ड मतलब डायरेक्टर है, और XYZ कंपनी के इसके पास शेयर है सपोज 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 पेड अप, ओके, और इसके पास एक सपोज ABC कंपनी है, उसके भी शेयर्स हैं मान लो 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 पेड अप, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स डिफॉल्ट कर देते हैं सपोज इसकी पेमेंट में, इसकी जो 2 रुपए की पेमेंट है वो पे कर दी, पेड, ठीक है, ये फुली पेड हो चुका है। लेकिन मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने ABC कंपनी के जो इसके पास पार्टी पेड शेयर थे उसमें कर दिया डिफॉल्ट, ठीक है,
और डिफॉल्ट किए हुए आपको कितना टाइम हो चुका है, 6 मंथ हो चुका है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब लास्ट डेट थी ना पेमेंट करने की, लास्ट डेट जब आपको पेमेंट करनी थी कॉल्स की, आपने पेमेंट नहीं की और उसको 6 महीने हो चुके हैं, तो आपने डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, डिफॉल्ट का मीनिंग यहाँ पे ये है। तो आपने जब डिफॉल्ट कर दिया है तो आप एबीसी कंपनी में हो जाते हो डिस्क्वालिफाइड, आप एबीसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते जी। ठीक है, आप डिस्क्वालिफाइड हो चुके हो। अब एक बार आप इसको दोबारा पढ़िएगा, ही हैज नॉट पेड एनी कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम वेदर अलोन या फिर ज्वाइंटली विद अदर्स एंड 6 मंथ हैव एलैप्स्ड फ्रॉम द लास्ट डे फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल। ये बात सारी बात यहाँ पे कवर हो सकती है। तो हाँ, मिस्टर एक्स जो है वो एबीसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या मिस्टर एक्स एक्स वाई जेड कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बन सकता? एक्स वाई जेड में तो कोई डिफॉल्ट नहीं है, क्या इसमें भी नहीं बन सकता? देखो बच्चों, नॉर्मली तो क्या होता है, अगर डायरेक्टर कोई डिफॉल्ट करता है तो वो सब जितनी भी कंपनीज है जिसमें वो डायरेक्टर बनना चाहता है सभी के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन इस केस में हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, द आर्टिकल लिखा हुआ था। मतलब क्या, जिस स्पेसिफिक कंपनी में वो डिफॉल्ट करता है सिर्फ उसी कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, बाकी सभी कंपनीज में वो डायरेक्टर बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, हो सकता है मे बी आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल जाए। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ इसमें। अगर जो कॉल्स हैं, या फिर हो सकता है केस स्टडी आ जाती है आपको इस पॉइंट पे, क्योंकि देखो केस स्टडी छोटे से पॉइंट पे आती है यार। तो मान लो लास्ट डे थी हमारी स्पोज 31/12/2020, ये लास्ट डे थी पेमेंट ऑफ कॉल की। अब इससे पहले ही मैंने वो शेयर सेल कर दिए, क्या मैं पार्टी पेड शेयर सेल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ यार, कोई बुराई नहीं है उसमें। मैंने सेल कर दिए और अब क्या ये 31/12 को 31/12 को मेरे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगी? मेरे पास शेयर नहीं है, तो शेयर नहीं है तो सिंपल सी बात है, डिस्क्वालिफिकेशन भी अट्रैक्ट नहीं होगी। या फिर कंपनी ने क्या किया, जब मैंने डिफॉल्ट किया, ठीक है, मैंने डिफॉल्ट कब किया, सपोज मैंने डिफॉल्ट किया था 1 जनवरी 2020, ये थी डिफॉल्ट डेट। ठीक है, और डिफॉल्ट डेट से पहले ही कंपनी ने वो शेयर फॉरफिट कर लिए, तो क्या अब मेरे डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगी? अभी भी नहीं होगी। तो बच्चों, अगर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होने से पहले ही कंपनी या तो शेयर फॉरफिट कर लेती है या आप शेयर्स को सेल कर देते हैं, तो आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगी। या फिर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है, आप शेयर की जो कॉल्स की पेमेंट है वो कर देते हो, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाएगी। या फिर जब कंपनी उन शेयर्स को आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन फॉरफिट कर लेती है, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके रिमूव हो जाएगी। ये एक स्पेसिफिक सा पॉइंट है बच्चों, जो थोड़ा सा बाकी पॉइंट से अलग है। जब मैं आपको बाकी पॉइंट्स करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है उनसे। उसके बाद आता है जी, ही हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 188 में क्या दिया गया बच्चों, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर सीए फाइनल है। और कन्विक्टेड हुए हो आप किसके लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए ड्यूरिंग एनी टाइम लास्ट प्रिसीडिंग 5 ईयर्स। देखो ये क्या बात करता है, आज आप अपॉइंटमेंट हो रही है, मान लो आपकी इस पॉइंट ऑफ से ये क्या है, आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, तो कहते हैं जी आज के पॉइंट से पिछले 5 साल चेक करो आप। ठीक है, क्या इसमें कोई आपको कन्विक्शन हुई है, इस पॉइंट में कन्विक्शन हुई है क्या? बात के ध्यान रखिएगा, डी पॉइंट और जी पॉइंट में फर्क है। डी पॉइंट था वो हम किस चीज की बात करता था, डी पॉइंट ये कहता था कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस आपको 5 ईयर काउंट करने हैं। लेकिन ये क्या कहता है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है उससे पीछे के 5 साल चेक करो। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्विक्शन हुई है या नहीं हुई, अगर इसमें कोई कन्विक्शन नहीं हुई तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को यहां पर कोई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई सजा हुई थी, ठीक है, और वो सजा एक्सपायर होती है, वो कन्विक्शन एक्सपायर होती है, सपोज यहां पे एक्सपायरी ऑफ कन्विक्शन, तो क्या मिस्टर एक्स डिस्क्वालिफाइड है? आपको डेट्स के साथ डाटा मिलेगा एग्जाम में, सपोज ये कोई डेट दे रखी है। तो देखिए बच्चों, क्या इस ड्यूरेशन में कोई कन्विक्शन हुई है, इस ड्यूरेशन में कोई कन्विक्शन हुई, कन्विक्शन तो पहले ही हो चुकी है, यहाँ पे तो एक्सपायरी हो रही है। ठीक है, तो ये मिस्टर एक्स डिस्क्वालिफाइड नहीं है जी यहाँ पर। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना है, पॉइंट डी और जी में फर्क है। पॉइंट डी किसकी बात करता है, मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज की बात करता है। आपको 6 महीने उससे फालतू की सजा हुई है, और कब आप कब तक आप डिस्क्वालिफाई रहेंगे, जब तक कि आप
एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस के 5 ईयर्स नहीं हो जाते तब तक आप रहेंगे डिस्क्वालिफाइड। चलिए उसके आगे बात करते हैं। उसके बाद ये बात, अच्छा इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो जी पॉइंट है, जी पॉइंट क्या कहते हैं, आप आज अपॉइंट हो रहे हो, आप पीछे के 5 साल चेक कीजिए, अगर पीछे के 5 साल में आपको कोई भी सजा नहीं सुनाई गई है, देखो जो फर्क है एक्सपायरी और सजा सुनाने में, अगर आपको पीछे के 5 सालों में सजा नहीं सुनाई गई है, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 188, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पिछले 5 सालों में आपको 188 में कोई सजा नहीं हुई है तो आप क्वालिफाइड हो, अदरवाइज आपको डिसक्वालिफाइड। तो डी और जी को प्लीज आप कंपेयर कीजिएगा, ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है और इन्हीं डिफरेंस पे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा जी, उसने कंप्लाई नहीं किया है सेक्शन 152 को, 152 में DIN की बात करेंगे बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपने DIN नहीं लिया है, अप्लाई नहीं किया है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो उसकी बात करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट हमारा सेक्शन 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर्स पे बच्चों लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम इतनी कंपनीज में ही डायरेक्टर बन सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, आप मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज और मैक्सिमम ओवरऑल 20 प्राइवेट कंपनीज, मतलब ये लिमिट है इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है। तो ओवरऑल जो लिमिट है मैक्सिमम डायरेक्टरशिप की वो 20 है, जिसमें से मैक्सिमम 10 कंपनीज आपकी हो सकती है पब्लिक कंपनीज, ठीक है। तो इसको हम सेक्शन 165 में डील करेंगे, अभी हमारा ये पॉइंट नहीं है। तो अगर आपने सेक्शन 165 को कंट्रावेंशन किया है तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, मतलब सपोज आप 20 कंपनीज में पहले से ही डायरेक्टर हो तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये पॉइंट थे बच्चों हमारे सारे के सारे, हमने अभी जो देखे हैं पॉइंट नंबर A to I। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, कोई भी MCQ आपको जरूर से जरूर मिलेगा सेक्शन 164 में से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार, और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा लेक्चर, यूट्यूब पे है, फ्री पोस्ट है, आप कितनी भी बार आप देख सकते हो। चलिए मैं इसका हाफ ऑफ आज की मैं क्लासेस रखूंगा, तो 27 मिनट हो चुके हैं इस लेक्चर को सुनते हुए, तो मैं अब इसको पार्ट को कट करके एक नेक्स्ट पार्ट में अपना ये सेक्शन कंटिन्यू करूंगा। अब एक चीज मैं बता दूं, 3 मिनट्स है मेरे पास, मैं कवर कर लेता हूँ। देखिए बच्चों क्या होता है, आप सोचोगे कि एक छोटे से सेक्शन को मैंने हाफ एन आवर लगाया, लेकिन देखो यार एक बार ऊपर आओ आप, हमारे पास टोटल सेक्शंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैटेगरी ए के हमारे पास 10 सेक्शंस हैं। अगर मैं एक सेक्शन पे सपोज 10 आवर्स भी, एक वन आवर भी लगा देता हूँ तो मैक्सिमम आपके 10 आवर्स लगे, और 10 आवर्स आपके ये चैप्टर आपका, मैं आपको बता दूँ 10 to 15 मार्क्स तक आ सकता है। 10 मार्क्स का तो होता ही है, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो पिछले किसी भी साल के, आपको 10 मार्क्स का तो मिलेगा मिला, और 15 मार्क्स तक का इसमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यार 10 आवर्स लगा लोगे तो कौन सी बड़ी बड़ी बात है, अगर आपको इसका अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब जो ये सेक्शन है 150, 154, मैं आपको देखना ये क्लास में यानी सारे के सारे सेक्शन निपटवा दूंगा, क्यों, इंपॉर्टेंस ही नहीं है यार हम उन चीजों पे, हम ये क्या है, ये ABC एनालिसिस है, आप पढ़ के आए हो ABC एनालिसिस, तो हमने इंप्लीमेंट कर लिया। और इसी तरह से आप अपनी स्टडी में स्ट्रेटेजिक स्टडी करो यार, डेफिनेटली आप 60 मार्क्स आराम से ले लोगे, मेरी गारंटी है आपको। ये जो नोट्स दे रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप करते चलिए, 60 मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ आपको, रिटर्न में ले लो चाहे आ जाइए, हमसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए सेक्शन 164 जो है, इसका जो पार्ट 2 है मैं एक और पार्ट बना देता हूँ, ये पार्ट में